ब्राजील में एक जुड़वा बच्चों की जोड़ी का अनोखा मामला सामने आया है। दरअसल ये जुड़वा बच्चे जन्म के वक्त मेल जेंडर के रूप में पहचाने गए थे, लेकिन अब उन्होंने फीमेल जेंडर कन्फर्मेशन के लिए सर्जरी करवाई है। इसलिए ये दुनिया का पहला मामला है जुड़वा बच्चों के रूप में पली बढ़ी। ब्राजील की मेला और सोफिया ने हमेशा सब कुछ एक साथ किया है, यहाँ तक कि जेंडर कन्फर्मेशन सर्जरी करवाने का फैसला भी दोनों ने बिना हिचकिचाहट के साथ लिया है। इस मामले को लेकर डॉक्टर जॉस कार्लोस मार्टिन्स का कहना है कि जुड़वा बच्चों को जन्म के वक्त मेल जेंडर कन्फर्म किया गया था, लेकिन अब इस तरह सर्जरी कर फीमेल जेंडर कन्फर्मेशन का ये दुनिया में पहला मामला है। बता दें कि डॉक्टर जॉन्स ट्रांसजेंडर सेंटर ब्राजील से हैं। इन्होंने ही इन जुड़वाओं की 5 घंटे सर्जरी की है। सर्जरी के एक हफ्ते बाद मेला रेजेंडे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी पूरी कहानी बताई। उन्होंने कहा, मैं हमेशा से ही अपने शरीर से प्यार करती रही हूँ, लेकिन मुझे अपने जननांग पसंद नहीं थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम 19 साल से जुड़वा बहनों के रूप में ही पहचानी गई हैं, हम कभी लड़कों के रूप में नहीं पहचाने गए। इन जुड़वा बहनों का जन्म तपीरा में हुआ था, जो कि मीनस गेरेस राज्य में है। सोफिया ने कहा कि हम ऐसे देश में रहते हैं वो ट्रांसफोबिक, यानी जहां ट्रांसजेंडर को पसंद नहीं किया जाता। पिछले साल ब्राजील में 175 ट्रांसजेंडर लोगों की हत्या की गई थी। हमें बचपन से दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा है, लेकिन हमें हमेशा अपने परिवार का समर्थन मिलता रहा। इतना ही नहीं, उनके दादा ने इन दोनों जुड़वा बहनों की सर्जरी के लिए 1 लाख रिसीज यानी कि $20,000 बिल का भुगतान एक प्रॉपर्टी की नीलामी करके किया है।